नो नो नो, अभी हमारी एयरलाइन ने नहीं किया है टेक ऑफ, क्योंकि यहाँ तो है आज अनलिमिटेड संगीत, यानी आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो फटाफट कर लीजिए आप हमारी एयरलाइन को बोर्ड और बांध लीजिए एंटरटेनमेंट की ये पेटी। जी टीवी के सीरियल मीत में मीत ने सभी घर वालों के सामने लैला का काला चिट्ठा खोल दिया है और बता दिया है कि मिस्टर मीत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार लैला ही है, जिसके बाद सभी घर वाले उसे खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। देख अच्छे से देख, लकीरें मुट्ठी में और मैंने अपनी और अपने मीत की किस्मत अपनी मुट्ठी में बंद कर। यकीन ना आ रहा ना मुझसे बड़े कि यो नीलम है, मन्ने भी ना आ रहा क्यों नीलम हम सबने धोखा देती आई है, हमारे सामने भोली बनके पूजा में लीन रहकर हम सबने पागल बनाया है, और दूसरी तरफ लैला बनके बार में डांस करके लोगों के दिलों के साथ खेलती आई। कुछ दिनों पहले होशियार के फ्रेंड्स भी किसी बार डांसर के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम लैला था। इसका मतलब ये है कि बर्फी काकी ने उस दिन जो तमाशा खड़ा किया था और जो छोटी ड्रेस पहनने का इल्जाम उन पर लगा था वो ड्रेस इसकी थी। लेकिन लैला भी कहां बाज आने वाली है, वो भी इन सभी घर वालों को जमकर जवाब दे रही है। भाई उसने तो बर्फी देवी की इंसल्ट ही कर डाली। ऐसे में मीत की मम्मी मीत के आगे शर्मिंदा है। तुम्हें तो मैं ए जगह पहुंची मतलबी औरत, तू मुझे सीख सिखाई दी, लैला को मारेगी तू? हाँ तू तो बिन पहने का लोटा निकली, कल तक तो मीत हुड्डा के लिए जहर उगलते हुए तेरी जबान नहीं थक रही थी और आज तू तो गिरगिट की मां निकली। बबीता गलत क्या कह रही है, सही तो कह रही है, अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं मैं। लैला को किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, अपने मीत को पाने के लिए लैला किसी भी हद तक जाएगी और मीत को पाके रहेगी, और तब तू 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 तुम सब देखते रह जाओगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करी ना, मैं ये कर दूंगी मैं वो कर दूंगी, मेरे ये दाव मेरे वो दाव, कहां गए तेरे सारे पैतरे, गए तेल लेने? हाँ वहाँ पर पुलिस आती है जो लैला को गिरफ्तार कर वहाँ से ले जाती है। भाई फिलहाल तो मीत ने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन जल्द ही कहानी में आएगा बड़ा ट्विस्ट।